हेलो गाइस, मैं हूं नैन्सी और मैं आप सबका वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, मैंने पहले दो जो वीडियोस बनाए थे उसमें था कि आप ब्रांडेड शर्ट्स एट लोएस्ट कॉस्ट कैसे ख़रीद सकते हो और ब्रांडेड बैग्स आप कैसे चीपेस्ट प्राइस में ख़रीद सकते हो। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मुझे लोगों के रिस्पॉन्स आए थे। ये नेक्स्ट वीडियो हमारी होती है कि हम अपने आप को ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं। इस ग्रूमिंग में मैं आपको बताऊंगी, आज की हमारी ग्रूमिंग टिप होगी हमारे हेयर फॉल के लिए, हेयर डैंड्रफ के लिए, हेयर वाइटनिंग के लिए। हम अपने आप अपने हेयर की केयर कैसे कर सकते हैं, हम जो हमारे बालों में ड्राइनेस आ गई है डस्ट की वजह से, उन सबको हम कैसे वापस, जो शाइन थी हमारे हेयर में, हम वो कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, इस वीडियो में हम लोगों को किस किस चीज़ की नीड है। हमें लेमन की नीड है, जो कि मैंने पहले ही निकाल के रख लिया है, एक खाली बोल जिससे हम मिक्स कर सकें, और कोकोनट ऑयल। मैं हमेशा पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मिक्सचर बनाना। हम क्या करेंगे, वन स्पून लेमन लेंगे और इसमें उसका डबल कोकोनट ऑयल मिला देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये काफ़ी थिक पेस्ट बन गया होगा और लेमन को इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये जो मैंने मिक्सचर बताया था आपको कोकोनट और लेमन का, इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जो कोकोनट में और जो एक्चुअली लेमन में जो एसिड होता है वो हमारे जो डैंड्रफ होता है उसको ख़त्म करता है, और जो ऑयल होता है वो हमारी जो स्कैल्प है जो न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड करता है। बेसिकली इस मिक्सचर को हम अपने स्कैल्प में इस तरीके से फिंगर टिप से लेके इस तरीके से धीमे धीमे करके लगा लेंगे। पूरे ऐसे हमें अपने पूरे स्कैल्प पे लगाना है धीमे 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 करके। इससे हमारे जो ड्राइनेस होती है हेयर की वो कंट्रोल होगी, हमारे हेयर की ड्राइनेस कंट्रोल होगी, स्प्लिट एंड्स ख़त्म हो जाएंगे हमारे धीमे धीमे करके, और जो हेयर फॉल हो रहा होगा हमारे बहुत ज़्यादा, लाइक जो गर्मियों में जो हमारा पसीना होता है वो हमारे स्कैल्प में जम जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, और सर्दियों में डैंड्रफ जम जाता है तो उसकी वजह से ये हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर जिन लोगों के डैंड्रफ है वो लोग उसे रात में लगा के, इस मिक्सचर को रात में लगा के आप लोग सो जाइए और सुबह सुबह वॉर्म वाटर से इसे वॉश कर लीजिए, तो ये बेनिफिट करेगा आपको। कम से कम ये 3 मंथ्स तक लगाना ही लगाना है, जिससे आपके बाल जो होंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और सिल्की बनेंगे और लंबे भी होंगे। गाइस, ये था हमारा आज का नुस्खा। तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और एंड करने से पहले मैं बोल दूँ, अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस ना देखे हो ब्रांडेड शर्ट एंड ब्रांडेड बैग के, तो उनको मैं अपने एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी, उनको एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम।